अपने ड्राइवर के साथ ट्रैक्टर से जा रहे ब्लॉक प्रमुख के ऊपर दबंगों ने जानलेवा हमला बोल दिया। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। ब्लॉक प्रमुख के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस मामले में ब्लॉक प्रमुख राजकुमार पासी द्वारा दबंगों के विरुद्ध तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की गई है। जानकारी के अनुसार रायबरेली के महाराजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक प्रमुख अपने ड्राइवर के साथ अपने घर की तरफ ट्रैक्टर से जा रहे थे, तभी विपक्षियों ने उन पर हमला बोल दिया। वहीं एएसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने ब्लॉक प्रमुख को आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी। राजकुमार ब्लॉक प्रमुख महाराज, क्या घटना हुई है? घटना हुई थी, हम लोग यहाँ उधर से आते थे ट्रैक्टर से, ये लोग आगे चार पहिया गाड़ी लगा दिए थे, इनको मना किया साइड से लगा लीजिए, तुरंत मान्य चढ़ गए ट्रैक्टर को, ड्राइवर को पहले मारा है हंटे और सरियों से, उसके बाद हमने समझौता कराते समय हमारे को भी पीटने लगे फंटी और सरियों से कस के मारा, हमारा सिर फूट गया, कपड़ा देख लीजिए पूरे फट गए हैं। कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी, कोई विवाद नहीं, ये लोग जबरदस्ती लड़ाई करने के चक्कर में चार पहिया रास्ते में खड़े करके। कितने लोग थे? लगभग लगभग कम से कम लोग रहे थे 30-35 लोग मौजूद थे, जिसमें मारने वाले 8-9 लोग थे। महाराजगंज थाना क्षेत्र में ग्राम हास्ती में आज सुबह राजकुमार नाम के एक व्यक्ति जो अपना ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे, वहीं पर उनका ट्रैक्टर निकालने को लेकर कुछ व्यक्तियों से विवाद हुआ। इस संबंध में दो लोगों को तत्काल पुलिस ने पहुंच के हिरासत में भी लिया है और इसमें अभी तक तहरीर नहीं प्राप्त हुई है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी उससे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई।